मानसा विच किसानां वालों 1 नवंबर तो जाम किया रेल मार्ग अज खोल दिता गया है जो 5 नवंबर तक खुला रहेगा। किसानों ने कहा कि जेकर केंद्र सरकार ने 3 कानून वापस ना लाए तो रेल जाम फिर किया जाएगा। मानसा तो पंजाब न्यूज़ चैनल लई परमदीप सिंह की रिपोर्ट। मैं कुछ खास सूचना दे रही ने हौसले बना के तुसी बंब रखियो से जिता बेनती कर पूरा देश अंबानिया अडानिया ते कारपोरेट घराणे नूं बेच रहा है। अज हर पासे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये नशे तो चलिया पंजाब नूं खत्म करन दा नशा आया लत्तर गीत आपां इस नौजवानी नूं करावे पा दईए तां आपां जिहड़े बजुर्ग ने इन्हां नूं तां पैसे दब लांगे। पर पंजाब आ इह वधिया रोटी पानी वधिया सेवा कर रहे हां ते इक सेवा दा मौका होणा इस धरती माता दा कर्ज चुकाउण दा इस नूं हड़प्पण दी कोशिश कर रहे हैं। जे असीं ना जागे तां बहुत माड़े दिन आ जाने हैं। कमेटी का दो किनारे लाऊंगा उन्हों का जवाब देना है। मोदी सरकार मुर्दाबाद। आगरा ये धरना समाप्त हो जा रहा है। जरूर फिर मुद्दा भी गाहक करना की है। जेड़ी कल पंजाब की मीटिंग हुई है उहदे च इह फैसला होया वी असीं गड्डी दीआं लाइनां तों धरना चुक के साइड ते बैठना है। साइड ते उहदे करके क्योंकि कद खाद दीआं गड्डियां जां कोले दीआं गड्डियां जां साडे कोई शैलर जां जिहड़े कार वेले करने गोदाम इत्थों नवां झोना लगेगा उह जाण वास्ते कोई स्पैशलां लगण वास्ते असीं गड्डी दीआं लाइनां खाली करने आ। इस करके 5 तरीक तक असी इत्थे बैठना है। 5 तरीक नूं 4 तरीक की मीटिंग होनी है। 5 तरीक नूं हिंदुस्तान का चक्का जाम है 10 बजे तो लैके 4 बजे तक। 4 तरीक नूं जो पंजाब दीआं 31 जथेबंदियां की मीटिंग हो रही है उहदे विच जो अगला फैसला हो फिर उह ते निर्भर करूगा भी असीं की अंदोलन अगे लैके जाणा है। असीं जिन्ना चिर इह कानून वापस नहीं होंदे मोदी नूं असीं गोडे दम करके हटांगे उन्ना चिर असीं वापस नहीं होंदे। साडा कल मीटिंग दे विच फैसला होया पंजाब पद्धर दे आगूआं नाल भी केरां असीं अज 3 बजे तो बाद जिहड़ा धरना इत्थों गड्डी दी लीह तों हटा के साइड ते कर देना। इत्थे मालक दा अंत ही करांगे स्टेज ते रहांगे उन्ना चिर रहांगे जिन्ना चिर मोदी सरकार जिहड़े 3 काले कानून वापस नहीं लैंदी। क्योंकि इन्ना कि साडा कैप्रोमाइज होया भी जिहड़ा कोले वाली गड्डी है जां जिहड़े सैलर भरे पए ने झोने दे उह खाली करने आ सैलर ते DAP ते यूरिया दी लोड़ है ਉਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਣ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਜੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੋਕਰੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਜੋਕਰੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਫੇਰ ਲੱਗੂ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕਣ ਦਿੱਤੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਜੋਕਰ ਸਾਡਾ ਕੈਪਰੋਮੈਜ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨ ਕੇ।
इन्हों सारे बुझ के खाण के दंद हो रहा बखाने हो रहा लोगों जान बुझ के गमराह कर रही ने यह असी इन्हों किसी भी कौल पर बर्दाश्त नहीं करा जोड़ा लोगों का लॉकडाउन लग्या होया है जिन्ना चर काले कानून वापस नहीं होंगे उन्ना चर यह लॉकडाउन खोलन का ना ही नहीं लूगा जोड़ा लोगों का संघर्ष है दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है ना तो अज ना सवेरे जी आंजा सरकार दो चीज़ों से सहमति हुई है ये भी यह है भी साढ़े किसानों की बिजाई का समा होन करके बहाने नाल कह सकते हैं भी DAP दी थोड़ा भी गड्डिया नहीं आन दित्तियां जां मोटरां दी लाइट भी कोला मुक गया तां नहीं आ रही इस करके असी चार दिन पुजा पांच दिन पांच तरीक तक गड्डी दी लीह तो पासे हटे हाँ नहीं पांच तरीक नूं दुबारे गड्डी दीआं लीहां ते आवांगे जे काले कानून साढ़े वापस ना लै गए।